संग थाम रे जो ढूंढू कहां मैं उस प्यारी को। अब नो यार, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों इतना डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है यार, मैं तुम्हारे ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके बदले कुछ भी करना पड़े। आखिर मैं कब तक इस कंफ्यूजन में पड़ा रहूंगा? आखिर मुझे कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। रानी क्या हुआ है? मम्मा वो सनी कहती है आप दोनों की तलाक हो जाएगी। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वो वकील साहब, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। हाशिम, तुम क्यों ऐसे खाली हाथ लिए बैठे हो? तुम कोई अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट नहीं दोगे? अयान बेटा, ये हमारी तरफ से तोहफा। बेटा गाड़ी की चाबी है, ले लो। ये अयान है ना, ये किसके साथ बैठा हुआ है? रश्मिया जूस ले आओ भाई के लिए, फुटबॉल खेल के आया है, थका होगा। एक तो पूरा दिन खेलता रहता है तब नहीं थकता, लेकिन थोड़ा सा काम क्या करना पड़ जाए तो फिर इसे तकलीफ हो जाती। मामा मैं कह रही हूँ इसे थोड़ा सा कामकाज सिखा दे। मैं शादी होके चली गई तो फिर कौन करेगा आपकी खिदमत? ये जो ना काम का है ना काज का। मैं खुद कर लिया करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अब मामा मुझे बार बार ब्लैकमेल मत किया करें प्लीज, कभी उसको भी कुछ बोल लिया करें। जा रही हूँ मैं जूस लेने। ये लो पकड़ो जूस पियो। क्या हुआ है? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई जैसे कहीं से मार खाकर आ रहे हो? देखिए मम्मा क्या हुआ ऐसे। रानी कुछ बोलो तो। मम्मा वो सनी है ना? हाँ। मम्मा वो सनी कहती है आप दोनों की तलाक हो जाएगी। तुम उनकी बातों का बुरा ना मनाया करो, वो तो ऐसे बस। मम्मा वो कहती है कि आप दोनों अलग भी हो जाओगे। खुदा ना करे। मम्मा अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। चलो जूस पियो, ये पकड़ाओ जूस। ये लो। तुम पागल हो क्या? ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। काम चोर। आखिर मैं कब तक इस कंफ्यूजन में पड़ा रहा हूँ? जितना सोचता हूँ उतना ही एहसास की दलदल में गिरता चला जा रहा है। आखिर मुझे कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वो दरअसल जी बोलिए, घबराए नहीं, मैं हर किस्म का केस लड़ सकता हूँ। वो वकील साहब, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। तो समझे हो गई।
अयान, 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 हाँ सॉरी, क्या हुआ? क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं। सोचना भी मत किसी लड़की के बारे में। क्यों? अब मेरा मतलब है कि मैं क्यों किसी लड़की के बारे में सोचूंगा? किसी और की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे तुम जितना चाहे सोचो, फुल परमिशन। रश्मिया प्लीज ये मजाक छोड़ो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। न जाने कितने वकीलों के चक्कर काट काट के ख्वार हो गया हूँ, मुझे रेस्ट करना। अयान कैसा रहा केस, वकील ने क्या कहा? हो जाएगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। बस वो थोड़ा थका हूँ ना, रेस्ट कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह, तुम रेस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मामा को देखूँ, उनको हेल्प करवा दूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं आजकल कितनी सुगड़ूंगी। आप रश्मिया? हाँ कुछ नहीं, ऐसे तुम और तुम्हारा कुछ नहीं। हेलो अमरीन। हाँ हुआ है तू? हाँ हुआ है। बात कर ली तुमने? हाँ कर ली है। तो फिर मैं कब तक इंतजार करूँ? अरे भाई इतनी जल्दी दुनिया से थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। क्या मतलब, पैसे वाले आदमी हो, जल्दी करवा लो प्रोसेस। अमरीन इस प्रोसेस में पैसे से जल्दी नहीं हो सकती। तुमने ही तो कहा था कि रश्मि और अयान की जब शादी हो जाए फिर करेंगे। अयान और रश्मि की शादी का मेरी कार से क्या ताल्लुक? अच्छा तो तुम गाड़ी की बात कर रही हो। हाँ नहीं तो तुम और क्या समझे भाई, अब मैं रोज रोज धक्के नहीं खा सकती सड़कों पर। अच्छा बाबा जाता हूँ, ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए गाड़ी, फिक्र ना करो। क्या मतलब, तुम अभी तक शोरूम गए ही नहीं, तो इतनी देर से तुम किस बारे में सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे? अरे मैं कुछ और बात कर रहा था, मैंने वकील से बात कर ली है। वकील से किस बारे में? अपनी और नौरीन की तलाक के बारे में। और किस बारे में? ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, साथ चल लेंगे हम। अब मेरे पास कोई ज्वेलरी है, मैं वो बेच दूंगी अगर पैसे कम पड़ रहे, ठीक है? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना, हर चीज पे ताने मत दिया करो तुम। ओके ओके खुदा हाफिज़। नानो क्या फूके मार रही हैं? अरे तुम्हारी कामयाबी के लिए, नजरबद से बचाने के लिए दुआएं पढ़ती रहती हूँ, और मैंने क्या फूकना है। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से और दुश्मन से महफूज रखे मेरे बेटे। सो दुआओं की मुझे नहीं बल्कि किसी और को सख्त जरूरत है नानो। किसे, क्या कह रहे हो? वो कुछ नहीं हूं। देख रही हूँ बेटा, जब से तुम अदालत से वापस आए हो ना, बहुत परेशान। देखो तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनत करके ये पूरा कारोबार खड़ा किया था, और नवेद भी कोई खानदानी रईस नहीं था। तुम देखना बेटा, एक दिन इंशाल्लाह तुम भी बहुत बड़ा मकाम पाओगे, बहुत कुछ पाओगे, चाहे अदालत से तुम्हें कुछ मिले या ना मिले। मुझे परवाह नहीं है,
एक बात कहूं आपसे? बोलो नानू। नौरीन खाला और अंकल के बीच कुछ चल रहा है क्या? कुछ अनबन? इसका क्या मतलब हुआ? अरे मियां बीवी के बीच में तो इख्तलाफात होते ही रहते हैं। नहीं नानू, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। उनके आपस के जो मामलात हैं, उनकी वजह से उनका घर तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना? नहीं तो क्यों? ओह नानू, मैं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। बताओ ना क्या बात है। देखो बेटा, अगर तुम अपने और रश्मिया के रिश्ते को लेकर परेशान हो ना, तो उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, मत सोचो। नौरीन बहुत समझदार है, उसने हमेशा हाशिम को और अपने बच्चों को सबसे ऊपर रखा है, और वैसे भी वो हाशिम के साथ कोई तलखी ज्यादा दिन रखती ही नहीं है। अरे तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, अम्बरीन नहीं है वो। फिर? क्या फिर? नहीं है, ऐसी कुछ ख्याल आ गया था, ये खास बात नहीं है। लो, जिनकी तुम्हें फिक्र थी ना, आ गई है तुम्हारा लाड उठाने के लिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं खाला, वो ऐसे ही आपके बारे में सोचा था कि आप परेशान तो नहीं है। अरे बेटा, मुझे लगता है इसने तुम्हारे बारे में ना कोई ख्वाब वाब देख लिया है। ऐसा करो, तुम एहतियातन अपना सदका दिलवा दो, ताकि इसको भी तसल्ली हो जाए। हाँ, काश ख्वाब ही हो। अच्छा यान, मैं वो बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए कुछ शर्ट्स ले आई हूँ, तुम देख लेना, पता नहीं तुम्हें पसंद आती है या नहीं। नहीं, खाना आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मुझे जरूर पसंद आएगी, मैं देख लूंगा। नहीं, वो अमरीन तो ये कहती है कि मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। गलत कहती है, बल्कि आपकी चॉइस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू। ठीक है, ये मैं ये सोच रहा था, कैसी है ये? That one. Wow, this is nice. Let me sit. ये अच्छी है, ये अच्छी लग रही है। आई नो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है ना, बट यू नो मुझे तो एक्सपेंसिव चीजें ही अच्छी लगती है, क्या करें। ये ले लेते हैं हाशिम, प्लीज। चलो तुम कहोगी तो ले दूंगा, मगर फिर वो। थैंक यू। बस अब ये सोचो कि हम इस गाड़ी में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए कैसे लगेंगे। तो बहुत अच्छे लगे, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कहोगी क्या तुम? कह दूंगी कि हाशिम ने दिलाई है। खुदा का, क्या क्या बात कर रही हो तुम, ये मत कह देना भाई। ओह गॉड, मजाक कर रही हूँ। ओके, मैं भी यही सोच रही थी कि घर में क्या बताएंगे, एंड देन आई थॉट कि अयान की सालगिरह आने वाली है इसी महीने, तुम ये बतौर गिफ्ट अयान को उसकी सालगिरह पे दे देना। मैं तो तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं अयान को गिफ्ट क्यों दूंगा? आई नो दैट। ओके, वैसे भी अयान इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है वो कबूल करेगा ही नहीं। मैं उसको कह दूंगी कि अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ, सिंपल। ठीक है, ऐसे बैठ के देख रही हूँ जरा। आ जाओ ना, तुम भी बैठो। नहीं, तुम बैठो आराम से। अरे तुमने देखा नहीं, आज इस कदर बुरी शर्ट पहनकर गया, बिल्कुल लंडे की शर्ट लग रही थी, पता नहीं कहां से ले आया। मैंने कहा भी कोई और कमीज पहन लो, पर माना ही नहीं, बहुत ही थर्ड क्लास शर्ट पहनी। वो मम्मा ने बहुत दिल से दिया। मम्मा वो आपका दिल रखने के लिए ले लेता है, आपके अजीब और गरीब चॉइसेस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पसंद आते हैं आपके लुक्स। रश्मिया, ये कैसी बात कर रही है? मम्मा ठीक तो बोल रही हूँ,
मैं मुझे आपकी चॉइस नहीं पसंद, मैं नहीं जा रही आपके साथ, मैं काला के साथ जाऊं। तुम तो इस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करने वाले थे ना अगले साल, तो फिर ये ख्याल क्यों आया? वो तो सब सही है, लेकिन ये किस्तें पूरी नहीं हो रही मुझसे। थोड़ी सी तो किस्तें रह गई हैं, थोड़ी हिम्मत कर लो, सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, घर कहाँ दोबारा बनते हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करता है ना आदमी, जरूरत पड़ रही है इसीलिए कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ ये भी है, माँ बाप क्या क्या नहीं करते अपनी औलाद के लिए। घर में शादी है यार, मेरी बेटी की शादी के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं तो अभी कहता हूँ कोई और तरीका है तो बेहतर है, बंदे को अपना मुस्तकबिल तो देखना चाहिए। मुजाहिद, मेरे पास बस यही एक तरीका है, बार बार इसका जिक्र करके परेशान मत करो मुझे यार। अरे तुम तो नाराज हो रहे हो, तुम्हारी चीज़ है भाई, तुम्हारा हक है, रखो या बेचो। आयान, क्या तुम फिर से आगे मिलने के लिए? ये तुम मुझसे ऐसे बात करोगे आयान? मेरा मतलब है कि तुम्हारी अम्मा को अच्छा नहीं लगता हमारा मिलना। मैं क्या करूं, मुझसे नहीं रहा जाता, और वैसे भी मैं खुले आसमान के नीचे मिल रही हूँ, मैं कोई बंद कमरे में नहीं मिल रही तुमसे। रियली? अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, वो तुमने शर्ट मामा की दीवी पहनी है ना? हाँ वही है। क्यों? तुम तो ब्रांडेड शर्ट पहनते थे। हाँ लेकिन शर्ट पे जो टैग है ना, दुनिया के सबसे बड़े टैग में शामिल है। कौन सा टैग? फलूस मोहब्बत, स्पेशली नवीन खाला की मोहब्बत। वाह 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 वाह, दामाद और सास में बड़ी ममता भरी दास्तान चल रही है। हमें तो कभी ऐसा प्यार नहीं मिला भाई। क्यों, तुम जेलिस हो रही हो क्या? अब हाँ थोड़ा थोड़ा तो पजेसिव हूँ तुम्हारे लिए। ओह प्लीज प्लीज, मैं वाकई में लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। एंड सीरियसली तुम दुआ करना यार, सेमेस्टर की फीस भी कम करवानी है, आई होप सो हो जाए। इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर हाँ तुम उधर जाके अपनी फ्रेंड्स उन लड़कियों के बीच में जाके मुझे भूलना नहीं। हद होती है, किस तरह की बातें कर रही है, टिपिकल पाकिस्तानियों में। बाय बाय, ख्याल रखना अपना। हाला? हाँ आओ आओ बैठो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी। अच्छी तो होगी, इतनी कीमती चीज जो तुम्हारे पास आ गई है। कौन सी कीमती चीज? आयान और कौन? ओह है ना जी, अब उसकी नजर में तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर मेरा तो बेटा है, मेरे लिए तो बहुत कीमती चीज है ना। क्यों खाला, क्या हुआ? अब देखो ना, क्या टेस्ट था मेरे बेटे का, एक से बढ़ के एक आलीशान गाड़ियों में फिरता था वो, और अब इतने बुरे आज कपड़े पहन कर गया है। मैंने कहा भी कि भाई कोई और ढंग के कपड़े पहन लो, मगर माना ही नहीं। अब अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में उसको कुछ कह दिया तो खामखाई में चढ़ जाएगा। कौन सी घटिया शर्ट? अरे तुमने देखा नहीं, आज इस कदर बुरी शर्ट पहनकर गया है, बिल्कुल लंडे की शर्ट लग रही थी, पता नहीं कहां से ले आया। मैंने कहा भी कोई और कमीज पहन लो, पर माना ही नहीं, बहुत ही थर्ड क्लास शर्ट पहनी। वो मम्मा ने बहुत दिल से दिया। ओह गॉड रियली? तभी मैं कहूँ इतनी बुरी शर्ट क्यों। अरे नौरी ने तो पहले ही हाशिम और दानी को जोकर बनाकर रख दिया है, अब मेरे बेटे को भी पता नहीं क्या बना देगी। तुम उसकी होने वाली बीवी हो, जरा उसका टेस्ट का ख्याल रखना। अच्छा जी,
ओह गॉड, तुम्हें बुरा लग गया? आई एम सो सॉरी। मैं जरा सच्ची बात मुंह पे कह देती हूँ ना तो लोग माइंड कर जाते हैं, बुरा मत मानना, ओके? चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं। क्यों, शॉपिंग पे क्यों? अरे अयान की सालगिरह आने वाली है, अब सालगिरह वाले दिन क्या ये ऐसे थर्ड क्लास कपड़े पहनोगी? मैं खुद ही कर लूंगी शॉपिंग। रहने दो भाई, जब नौरीन अपने दामाद को ऐसे तोहफे तहाइफ दे सकती है तो क्या मैं तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें कोई अच्छी सी शॉपिंग नहीं करवा सकती? ट्रस्ट मी, अच्छी चीजें दिलवाऊंगी। ठीक है, शाम को फिर चले शॉपिंग पे, डन। हाँ शेर, हाशिम भूख लग रही है तो कबाब तल दूं? हाँ ला दो। मैं सोच रही थी वो अयान है ना, उसकी सालगिरह है, अगर आप कहें तो इस बार उसकी सालगिरह हम अपने घर में कर लें। ये तो मैं फजूल खर्चियां क्यों सोचने लगी? पहले की बहुत ज्यादा फजूल खर्ची नहीं हो रही, और फिर ये इस साहबजादे ने पैदा होकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? हाशिम ऐसे तो ना कहना, आपका होने वाला दामाद है। अगर दामाद है तो सर पे बिठा लूं, क्या करूं? इसमें सर चढ़ाने वाली कौन सी बात है, मैं कोई इतनी बड़ी पार्टी थोड़ी करूंगी अमरीन की तरह, बस दो तीन डिशे बना लूंगी घर में, सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा भाई, जो जो दिल में आए करो। तो हाशिम मैं फजूल खर्ची नहीं करूंगी अमरीन की तरह। अमरीन तुम बन भी नहीं सकती, मेरा मतलब है कि अमरीन तुम जितना भी मेहनत कर लो ना, अमरीन खुश नहीं होगी। कोई बात नहीं हाशिम, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आपको याद है हाशिम, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, अम्मी भी दावते किया करती थी हर हफ्ते आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। अच्छा, एहसान जता रही हूँ मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रश्मिया और अयान भी खुश हो जाएंगे, इस तरह प्यार भी बढ़ता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल से इन दावतों की वजह से हमारा प्यार बढ़ा? अरे छोड़ो, ये दावतें ना भी करती तब भी ऐसे ही रहता हमारा रिश्ता। हाशिम अब एक फैसला कर लिया है तो उसे दिल से कबूल करें, रश्मिया की खुशी के लिए अयान को दिल से कबूल कर ले। कबाब तल दे? हाँ बना दो, बना दो, जाओ। चलो रश्मिया, मैं तो तैयार हो गई हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? अरे बताया तो था तुम्हारे साथ अयान का गिफ्ट लेने। लेकिन मैं तो खाला के साथ जाऊंगी। क्यों, अमरीन के साथ क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स पता है, इसलिए। शॉप का क्या, दुकान से नहीं दिल से लोगे, जहां से भी लोगे ना अयान को अच्छा लगेगा। मामा वो आपका दिल रखने के लिए ले लेता है आपके अजीब और गरीब चॉइसेस के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पसंद आते हैं आपके लुक्स। रश्मिया ये कैसी बात कर रही हो? मामा ठीक तो बोल रही हूँ मैं, मुझे आपकी चॉइस नहीं पसंद, मैं नहीं जा रही आपके साथ, मैं काला के साथ जाऊं। फजूल में तैयार हो गई मैं, जाओ मर्जी है तुम्हारी। क्या जरूरत थी सब करने की,
क्या मतलब क्या जरूरत थी? मेरे मामा पापा के होने वाले दामाद हो तुम। रश्मिया वो मैं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ करवाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी इन हालात में ये सब। अरे क्यों, हालात को क्या हो गया भाई? माशाल्लाह अब तो हालात बेहतर हो रहे हैं। नानो मैं इसकी जिंदगी में जो आ गई हूँ इसलिए इसके हालात बुरे चल रहे हैं। रश्मिया ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या मतलब था भाई? मुझे नहीं पता, तुम आ रहे हो बस। अरे मान जाओ ना अयान, मत मेरे बच्चे का दिल दुखाया करो तुम। हाँ हाँ ना, चलें ठीक है मैं, जैसे आप लोग। जीते रहो, जीते रहो। पता नहीं वहां क्या चल रहा है खाला और खालों के बीच, और इस पागल को बर्थडे की पड़ी है। क्या सच मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं पता किसके मामा और पापा के बीच क्या चल रहा है? अंकल मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप जो भी खाला के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? बेटा गाड़ी की चाबी है ले लो। नहीं मैं सॉरी, मैं नहीं ले सकता ये। ले लो भाई। ये यहाँ नहीं है ना, ये किसके साथ बैठा हुआ है? क्या क्या बना लिए मामा? निहारी और हलीम बना चुकी हूँ, खीर बना रही हूँ, इसके बाद चावल दम पे रख दूंगी, बस चीजें तैयार। तुम कोई सलाद वगैरह तो बना लो। मामा ये क्या आप ढाबे वाले खाने बना रही है मामा? अरे नहीं, तुम देखना अयान को बहुत अच्छा लगेगा। अब वो चुप करके आपके खाने खा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अच्छे लगते। और वैसे भी सालगिरह है मम्मा की का नहीं है। अगर आपको चाइनीज फूड नहीं बनाने आता तो मुझे बताती, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। पापा को कहती। अरे नहीं नहीं, पापा को नहीं कहना, उन्हें बुरा लगेगा। मैंने पहले ही इतनी मुश्किल से उन्हें मनाया आज की दावत के लिए। एक तो आप पापा को मत बुरा बनाया करें बार बार, वो तो आपसे ज्यादा मेरे और अयान के रिश्ते को समझते हैं। मुझे नहीं पता, बस ये सब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं चीजें मंगवा देती हूँ, खुद ही बना लो अपनी मर्जी से जो जी चाहता है। ये सही बात की आपने, पैसे बचाने का अच्छा तरीका है ये। चले बना लूंगी मैं, मगर देखिएगा आपके खाने वो बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, मेरे खाने से ज्यादा अच्छे लगेंगे। तुम देख लेना कौन से खाने खाएगा वो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ayan, happy birthday to you. Woo! Hey! उस बच्चे के लिए जो हमेशा मुझसे नाराज रहता है। Oh! और अब मैं? Boss. आज नानो कुछ भी खा सकती है, खुली छूट है नानो को। बाबा अच्छे हो गए। प्यारी सी सनी, कम ऑन सनी। चले आप लोग बैठ जाए खाने के लिए, मैं बिरयानी लेकर आऊंगा। यस। भाई तुमने इतना कुछ बनाया है, अब ये तुम सब कुछ अयान को खिलाओगी तो मोटा हो जाएगा। जी खाला, मैंने सब कुछ अपने हाथों से अयान के लिए बनाया।
जब मैं कहूँ आज इसका रंग इतना कुमलाया हुआ क्यों है? सारा दिन माँ ने तुम्हें किचन में खड़ा कर दिया है ना? नहीं काला, मामा ने सही कहा था कि मैं अपने हाथों से अयान के लिए बनाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई होटल से मंगवा लिया होता। मैं जानता हूँ तुम सिगरेट पीते हो, मेरे सामने अपना इमेज ठीक करने की कोशिश मत करो। क्यों? नहीं वो मैं नहीं ऐसे ही मैं नहीं मैं वाकई है अंकल, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप जो भी खाला के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि खाला एक अच्छी इंसान है, अपनी जिंदगी कदर करें। तुम कहना क्या चाह रहे हो, खुल के बात करो ना। खुशी बेटा लो ना, ठंडा हो रहा है। मैं तो हलीम मुझे भी हलीम दे देना। एक सेकंड, तुम ये खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया अपने हाथों से, तुम्हें बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं पहले निहारी खाऊंगा। और निहारी ये घर की? हाँ हाँ, मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए, बहुत प्यार से, तुम्हें पसंद आएगी। रश्मि बेटा मुझे हलीम डाल देना थोड़ी सी। भाई आयान, तुमने बताया नहीं तुम्हें सारे गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा? कौन? कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो गिफ्ट ले लूँ मैं। आई मीन ठीक है, आप लोगों ने दे दिया। अरे तुम्हें तुम्हें खुश होना चाहिए, इतने सारे लोग प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें तोहफे दे रहे हैं, बी हैप्पी। तुम्हें रश्मिया का दिया हुआ परफ्यूम कैसा लगा? मुझे इतनी महंगी चीजें देने की क्या जरूरत थी रश्मिया? ए भाई नौरी, तुमने क्या दिया यान को? मैं भी कुछ डिफरेंट ले आई हूँ, पता नहीं यान को पसंद आएगा या नहीं। शलवार कमीज लेके आई हूँ। ओह गॉड, शलवार कमीज? यान तो कभी मर के भी नहीं पहनेगा। इसीलिए तो लेकर आई हूँ, तुम देखना यान पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम पहनोगे क्या? खाला मैं जरूर पहनूंगा शलवार कमीज। Oh God! नौरीन, भाई तुमने क्या तावीज घोल के पिलाया है अयान को है? बड़ा तुम्हारी जाने माइल हुआ भाई, मेरी तो एक बात नहीं सुनता। हमें भी बताओ भाई, हम भी फिर वहां से तावीज लेकर आए। और तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मेरा दिया हुआ लेटेस्ट सेलफोन कैसा लगा? क्या जरूरत थी इतनी महंगी शॉपिंग करने की? अरे फिर वही महंगा महंगा महंगा, क्या रट लगा रखी है तुमने? हाशिम, तुम क्यों ऐसे खाली हाथ लिए बैठे हो? तुम कोई अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट नहीं दोगे? अरे मैंने जो तोहफा दिया है वो दोनों की तरफ से तो है। पर शलवार कमीज? That's not fair. हाशिम क्या नाराज हो गया? बातें जो तुम ऐसी कर रहे हो, नाराज नहीं होगा? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि नाराज हो गया? बेटा ये हमारी तरफ से तोहफा। नहीं अंकल, मैं नहीं ले सकता। बेटा गाड़ी की चाबी है, ले लो। नहीं मैं सॉरी, मैं नहीं ले सकता ये। ले लो भाई। I'm sorry अंकल, मैं This is for you, happy birthday. अंकल लेकिन मैं इतनी महंगी चीज आप नहीं ले सकता। अंकल महंगी या सस्ती की बात नहीं है, आप हमारे बेटे हैं, प्लीज रखें। वाह हाशिम,
रख लो ना भाई, गाड़ी दे रहे हैं, बी हैप्पी, से थैंक यू टू हिम. थैंक यू. कम ऑन. थैंक यू हाशिम, इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट. ये यहाँ नहीं है ना, ये किसके साथ बैठा हुआ है? पता नहीं पापा, कोई क्लास फेलो होगी. क्लास फेलो नहीं होगी, तो अपने बाप की तरह है आवारा बिल्कुल. मैं यहाँ नहीं बैठ रहा, चलो यहाँ से आज चलो. आयान, मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल की नहीं पिक कर रहा. मेरा सेल फोन साइलेंट पर था, ट्यूशन का बच्चा बार बार तंग कर रहा था, इसलिए मैंने साइलेंट पे कर दिया. मैं तुमसे बात कर रही हूँ आयान. हाँ तो मैं सुन रहा हूँ. तो देख क्यों नहीं रहे मुझे? तो मैं देख ही रहा, मैं असाइनमेंट तरफ लो तोड़ दिया. हाँ क्यों देखोगे मेरी तरफ? पुरानी गर्लफ्रेंड जो मिल गई है. एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.